आप देखें कि हमने सोचा नहीं था कभी इस तरह कि जब इमरान खान साहब जो पिछली दफा अमेरिका के दौरे से वापस आए तो बताया गया कि हमें कि हमने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है, डोनाल्ड ट्रंप से जो है बहुत अच्छे जो है उनकी मीटिंग्स हो गई सारी चीजें, और यहाँ पर आने के बाद उस पर जश्न मनाया गया, फतह का ऐलान किया गया। उनके अमेरिका से आने के तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इंडिया ने कश्मीर पे कानून साजी इंटरनल करके कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, जो कि वो 75 सालों में से नहीं कर सका था। हम समझे, सारा पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया ये समझी कि ये तो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि जिससे दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स में आपस में इतनी बड़ी टेंशन होगी कि दुनिया को अब इस तरफ यहां पर कूदना पड़ेगा। तो हम इंतजार करते रह गए कि पाकिस्तान जो कि 75 सालों से रियासत पाकिस्तान और कश्मीरियों के नुमाइंदगी करती चली आ रही है वो कोई बोल्ड स्टेप लेगी। बोल्ड स्टेप लेने के बजाय हमने जब बहुत सारे मीटिंगों के बाद जब आउटकम सुना कि इंडिया कश्मीर को हथिया लेने के बाद का जो पाकिस्तान का रद्द अमल है वो क्या है कि वजीर आजम ने कहा कि मैं वजीर आजम समेत पूरे मुल्क के लोग जुमे के दिन अपने ही मुल्क में ट्रैफिक लाइटों को बंद करके रेड करके आधे घंटे तक रोड पर खड़े रहेंगे ट्रैफिक जैम करके। कश्मीर को हड़प करने का जवाब पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से ये था कि हम अपने ही मुल्क में आधे घंटे के लिए जुमे के दिन ट्रैफिक रोक कर खड़े होंगे, ये था जवाब कश्मीर का। तो भाई अगर अमरीका के खिलाफ कोई बयानिया बनता था या बैरूनी साजिश का बयानिया बनता था तो कश्मीर के मसले पर बनना चाहिए था, उस दौरान बनना चाहिए था। कश्मीर अमेरिका के आशीर्वाद से अमेरिका की सरपरस्ती से इंडिया ने कश्मीर ले लिया और हम पाकिस्तान का वजीर आजम ये कर रहा था कि जुमे के दिन ट्रैफिक लाइट रोककर और पूरे कौम को कहता है कि ट्रैफिक लाइट पर आधे घंटे खड़े रहो अपने मुल्क में, इससे कश्मीर आजाद होगा। और वो जुमे के दिन वाला ड्रामा भी, आधे घंटे ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़े रहने का ड्रामा भी सिर्फ 4-5 हफ्तों से ज्यादा आगे नहीं चला। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया को हमसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, दुनिया को हमसे जो है वो कोई हम पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लाफिंग स्टॉक बन गए पूरी दुनिया में, हम मजाक बन गए। हमारा सारा न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, इंडिया ने कश्मीर ले लिया, 75 सालों से केस लड़ रहे हैं और हमारा जवाब ये कि हम जो है वो अपने ट्रैफिक लाइट को रोककर अपने ट्रैफिक लाइट को रेड करके हम खड़े हो जाएंगे अपने मुल्क में। और उसके बाद जो है वो सारी चीजें आपके सामने हैं।